अच्छा, ये इस वक्त जो है मैं खानपुर में मौजूद हूँ, रहीम यार खान की तहसील खानपुर है। अब आप ये देखें, ये बकरे रखे हुए नीचे, और ये ताज़े बकरे सामने आंखों के कटे और उसका गोश्त बिक रहा है, सही है। ये देखें, ये पंजाब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें कि ये गोश्त लटका हुआ है बकरे का, और ये देखें रेट क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपये किलो, और बछड़े का जो है 500 रुपये किलो पाटे का। अच्छा, ये भाई है, इससे पूछते हैं, भाई ये बकरे का गोश्त आप क्या हिसाब बेच रहे हो? 1000 रुपये किलो। ये भाई की दुकान है, ये 1000 रुपये किलो बेच रहे हैं। सिर्फ बताना ये था आप लोगों के कि इस वक्त जो कराची में हो रहा है वो सब मनमानी है। डीसी साहब और एसी साहब किसी भी किस्म के इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं ले रहे। और ये देखें, ये बछड़े का भी गोश्त है। ये भाई क्या हिसाब बेच रहे हो? 500 रुपये किलो कट्टे का गोश्त बिक रहा है ये। और ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे शहर की, मुर्गी सामने 350 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त बिक रहा है। तो भाई सिर्फ जो है अगर इस तरीके से कराची के अंदर भी जो है और वो किया जाए, मतलब एक रेट लिस्ट हो और चेक ऑन बैलेंस हो। ये देखिए, अब चेक इन बैलेंस है रहीम यार खान में, ये लिखा हुआ है बाखूम डिप्टी कमिश्नर जिला रहीम यार खान। इन्होंने अपनी हेल्पलाइन दी हुई, और मैंने पहले अगर इनसे वैसे ही पूछा कि भाई आप गोश्त क्या रुपए दे रहे हो, तो उन्होंने मुझे यही रेट बताया कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं, और बड़े वाले ने बोला कि हम 500 रुपये किलो दे रहे हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है सूबे सिंध की और सूबे पंजाब के अंदर, इस वक्त ये फ़र्क है आप लोग देख सकते हैं।